नमस्कार दोस्तों, आज आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि रेलवे अब ऐसा फैसला लेने जा रहा है जिसमें कि ट्रेनों में अब गार्ड आपको दिखाई नहीं देंगे। तो आइए जानते हैं कैसा क्यों बदलाव किया जा रहा है और ये बदलाव क्या है। अगर आप भी अक्सर ट्रेन से सफ़र करते हैं तो रेलवे का नया नियम आपको जानना बहुत ज़रूरी है। रेलवे मंत्रालय के नए नियम के अनुसार ट्रेनों में अब गार्ड नहीं होंगे। दरअसल रेलवे ने गार्ड का पदनाम बदलने का फैसला किया है। इस बदलाव के बाद गार्ड को गुड्स ट्रेन मैनेजर कहा जाएगा। आपको बता दें, पिछले दिनों कर्मचारियों की कई साल पुरानी मांग को पूरा करते हुए रेलवे ने गार्ड के पदनाम को बदल दिया है। ऐसे में अब ट्रेन के गार्ड को ट्रेन मैनेजर कहा जाएगा। रेलवे की तरफ से इस संबंध में सभी जोन के GM को लिखित सूचना भी दे दी गई है। इस बदलाव को तत्काल लागू कर दिया गया है। पदनाम बदलने की रेलवे कर्मचारियों की पुरानी मांग है। रेलवे के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर भी इस बारे में जानकारी दी गई थी। कर्मचारी साल 2004 से गार्ड का नाम पदनाम बदलने की मांग कर रहे थे। इसके पीछे उनका तर्क था कि गार्ड का काम केवल सिग्नल के लिए झंडी और टॉर्च दिखाना ही नहीं, बल्कि रेलवे ने गार्ड का पदनाम भले ही बदल दिया है लेकिन जिम्मेदारियां पहले जैसी ही रहेंगी। ट्रेन में यात्रियों की जरूरत पूरा करने के अलावा पार्सल सामग्री का निष्पादन, यात्री सुरक्षा और ट्रेन की देखरेख की जिम्मेदारी भी गार्ड पर ही होगी। इसीलिए पदनाम बदलने की मांग को रेलवे ने मान लिया। रेलवे ने जानकारी दी कि पदनाम बदलने से किसी भी तरह जिम्मेदारी में फर्क नहीं आएगा। कुछ और कर्मचारियों के पदनाम में भी बदलाव किया गया है। तो हम आपको बताते हैं कि पुराने कुछ पदनाम क्या थे और अब नए क्या हैं। असिस्टेंट गार्ड को असिस्टेंट पैसेंजर ट्रेन मैनेजर बोलेंगे। गुड्स गार्ड को गुड्स ट्रेन मैनेजर बोलेंगे। सीनियर गुड्स गार्ड को सीनियर गुड्स ट्रेन मैनेजर बोलेंगे। सीनियर पैसेंजर गार्ड को सीनियर पैसेंजर ट्रेन मैनेजर बोलेंगे। मेल एक्सप्रेस गार्ड को मेल एक्सप्रेस ट्रेन मैनेजर बोलेंगे। तो दोस्तों, ऐसी जानकारी के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।